हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है उनकी लेट नाइट फीलिंग्स, यानी कि उनकी आधी रात की फीलिंग्स क्या हैं। ये नॉटी भी हो सकती है, डर्टी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, जो भी है मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। आपको करना कुछ ऐसा है कि सिर्फ 3 बार अपने पार्टनर का नाम दोहराना है ताकि मैं उनकी एनर्जीज़ को ले सकूँ, ग्रैप कर सकूँ। मैं आपको आपकी करंट एनर्जीज भी बताऊँगी ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये एनर्जी या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, सो लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम। रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करें, साथ ही साथ जनरल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, दी सन। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या लियो एनर्जी के हो सकते हैं। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर लाइक सोच विचार में तो ज़रूर है, ठीक है, सोच विचार में है, लेकिन थोड़े से स्टबन एनर्जी में है। ऐसा है कि ये फ़िलहाल अपने आप के साथ समय ज़्यादा बिताना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा चाहते हैं, ये ज़्यादा आपके बारे में सोचना नहीं चाहते इस समय। इस समय इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में इश्यूज़ हैं, और इसमें से कुछ इश्यूज़ फाइनेंशियल और इनके परिवार के रिलेटेड है, फैमिली के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल है, जिससे थोड़े से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एक एनर्जी में हैं, अपसेट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, अकेला रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, ना ही सोचना पसंद कर रहे हैं। इस समय इनको क्या चाहिए इनको नहीं पता, बट एक चीज़ है कि इस वक्त इनको अकेलापन बहुत खाया जा रहा है, एक खालीपन है, एक अकेलापन है, जिससे ये बहुत परेशान है। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके माइंड में क्या थॉट चल रहा है। न्यू वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है इस रिलेशनशिप के लिए ये करते करते थक गए हैं, इनको ऑलरेडी जितना करना था इस रिश्ते में इन्होंने ऑलरेडी किया है और इससे ज़्यादा इनके अंदर ताकत नहीं है। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा, कई कई बार आपको एक्सप्लेन किया, कई कई चीज़ें इन्होंने आपको समझाई, बट समझा समझा कर अब ये थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में। ये एफर्ट डालने के लिए ये चाहते हैं कि इनको इक्वल गिव एंड टेक मिले, यानी कि इक्वली आप भी इनमें इन्वेस्ट करें और ये आप में तब जाके इन्वेस्ट करें। इन्हें लग रहा है कि ये आपको टाइम देने के लिए तैयार है, ये आपको अटेंशन देने के लिए तैयार है, ये आपको लव देने के लिए तैयार है, पर उतना ही इक्वली इनको आपसे मिलना चाहिए। इनको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है जहाँ से इनको लग रहा है कि आप इनको ये सब चीज़ें अब नहीं दे रहे हैं, डिलीवर नहीं कर रहे, या वो सारी चीज़ें आपसे मिल नहीं रही किसी वजह से, जिसके वजह से ये आपको लेकर थोड़े से अपसेट नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताएं, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताएं। दी स्टार। आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत होपफुल हो इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आप भी कोई एफर्ट डालना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को लेकर। इस रिश्ते को लेकर आप सीरियस बहुत हो, नो डाउट इन दैट, आप बहुत सीरियस हो, आप लॉयल भी हो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा, और ऐसा भी दिख रहा है कि वेटिंग पोजिशन में कहीं ना कहीं हो। इस इंसान के बदलने का, सुधरने का, इनके कम्युनिकेशन का वेट ज़रूर है आपको, या इन हालातों के सुधर जाने का इंतज़ार ज़रूर है, जिसके वजह से आप कभी कभी थोड़े से एग्रेसिव या चिड़चिड़े भी हो जा रहे हो, थोड़े से बॉसी भी हो जा रहे हो, और थोड़े से मेंटली एग्जॉस्टेड भी हो, बट आप होपफुल हो इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत होपफुल हो, बहुत पॉजिटिव माइंड है आपका। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं दिमागी तौर से देखूँ तो आप एफर्ट नहीं डालना चाहते, आप इस रिश्ते में नहीं और हाथ नहीं डालना चाहते, आप खुद होकर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, आप नहीं चाहते कि अब आपको कुछ करना पड़े, आप चाहते जो करना है वो करें, उनकी तरफ से इनिशिएट होना चाहिए, आपने जितना करना था आपने कर लिया, उनको खुद होकर अब ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी क्योंकि आपसे ये बार बार नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने जितना करना था कर लिया और अब वो थक गए हैं, अब इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। यूनिवर्स मुझे पता है मेन इशू क्या है इनके पार्टनर का, मेन इशू क्या है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स। ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं बट ये कहीं ना कहीं कर भी नहीं पा रहे हैं, ये आपको लेकर बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ये बहुत टाइम से चाहते हैं कि इस रिश्ते से ये बाहर निकल जाएं, आपके बारे में सोचना बंद कर दें, आपको याद भी ना करें, आपको मिस भी ना करें, क्योंकि मिस बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, या आपकी यादों से, आपकी मेमरी से बाहर निकल जाना चाहते हैं।
जैसे कि ऐसा लग रहा है कि पुरानी मेमोरी इनको हॉन्ट कर रही है बहुत बुरी तरह से। आपके साथ बिताए हुए हर पास्ट के मोमेंट को ना ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये चाहकर भी ना इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये चाहते हैं, लिटरली ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप से निकल जाना, ये मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिश्ते से, पर ये कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं खुद को। ये एक जगह जैसे अटक कर रह गए हैं और ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। मूवमेंट ऐसा लग रहा है ना आगे बढ़ पा रहे हैं और ना अभी के सिचुएशन में कुछ कर पा रहे हैं। कुछ ना करने की इनके पास एक्सक्यूजेस बहुत है। इनको लग रहा है कि इमोशनली सिर्फ ये हर्ट हो रहे हैं या इमोशनली सिर्फ इस रिलेशनशिप में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप में उतने नहीं हो जितना होना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी इशू क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर इनका इशू क्या है, मेन इशू क्या है इनके अंदर, मेरे व्यूवर्स को लेकर इनके मन में क्या इशू है, ये क्यों नहीं हो एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट डालने से इनकार क्यों कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्स, ओके प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस वक्त ये काम में भी बहुत व्यस्त है और इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त इनकी लाइफ में। लाइफ ईजी नहीं है, लाइफ इनके साथ बहुत हार्ड चल रही है, बहुत डिफ़िकल्ट है इस वक्त इनकी ज़िंदगी में। बहुत स्ट्रेस है, अपने पराए सब लोगों ने बहुत तकलीफ दे रखी है, फाइनेंशियल टेंशन भी है, परिवार में भी टेंशन है और दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, अकेलापन बहुत ज़्यादा है। ऐसे टाइम में ना इनको ऐसा लगता है कि आप खुद होकर एफर्ट डाल के इनको समझने का प्रयास करें और अंडरस्टैंडिंग दिखाएं, आप इनके लिए थोड़ा सा झुकें, आप इनको प्यार दें, आप इनको अटेंशन दें। जो दूसरे इनको नहीं समझ पा रहे हैं, कम से कम आप इनको समझने की कोशिश करें। जितनी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बाद ये आपको उतना अटेंशन, लव या बोलते ना प्यार, रोमांस, ये सब नहीं दे सकते क्योंकि इस वक्त मेंटली ये खुद एग्जॉस्टेड है, इस वक्त मेंटली ये खुद स्ट्रेस्ड आउट है। तो ऐसे में ये आपको कैसे कुछ भी दे दे या आपके लिए कैसे कुछ करे, जब इंसान खुद ही अंदर से दुखाया हुआ है तो सामने से कैसे कुछ करे। इन्होंने फ्यूचर के लिए कुछ बड़े बड़े प्लान्स भी बनाकर रखे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। इनके फ्यूचर के लिए बहुत बड़े गोल्स हैं जिस पर काम भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी हैं और बहुत सारी चीज़ें डिले हो रही हैं, बहुत सारे काम टल रहे हैं, बहुत लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इनके ऑफिस में या इनके बाहर, जिससे ये मेंटली इतना टेंशन में हैं जिसके वजह से ये चाहकर भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त इनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि आपके लिए भी एफर्ट डालकर दिखाएं या कुछ कर सकें। यूनिवर्स सिक्स ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें। ये डिसअपॉइंटेड है आपसे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ये आपसे बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा आपकी किसी बात को लेकर ये बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंट हो गए, बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है कि आपने उनको वो सब डिलीवर नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, आपको अंडरस्टैंडिंग जो दिखानी चाहिए थी वो आपने दिखाई नहीं, आपको जो म्यूचुअली इन्वेस्ट करना चाहिए था इस रिलेशनशिप में आपने वो किया नहीं। ये आपके किसी बात से या तो बहुत अपसेट है या तो बहुत नाराज़ है या किसी बात को लेकर ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। आपकी पुरानी मेमोरी डेफिनेटली ये मिस कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं दिल के किसी कोने में। ऐसा लग रहा है कि ये याद करते करते बहुत अपसेट भी हो जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील करते हैं अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो पाना। ये आपके एनर्जी से कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से अटैच हो चुके हैं, जाकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, अपनी सेल्फ पे ध्यान देना चाहते हैं, अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और इनको लग रहा है इनको आपने निराश किया है, इनको आपने हर्ट किया है, इनको इनकी अपेक्षाओं को आपने निराशा दी है। यूनिवर्स मुझे बताएं ये क्यों डिसअपॉइंटेड है, ये डिसअपॉइंटेड क्यों है, ये क्यों इतने डिसअपॉइंटेड है, मेरे व्यूवर्स से ये डिसअपॉइंटेड क्यों है। इनको लग रहा है आप बदल गए हो, आप चेंज हो गए हो, इनको दुख इस बात का है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं हो, आप बहुत चेंज हो गए हो। इनको लग रहा है आपके एटीट्यूड में चेंजेस आ गए हैं या आपके उठने बैठने में चेंजेस आ गए हैं या आप में घमंड आ गया है या अब आप पहले जैसे नहीं रहे। और इनको लग रहा है अब इस रिलेशनशिप का सारा बर्डन इन्हीं के ऊपर डाल दिया गया है, अब सब इनको ही करना है, हर चीज़ में इनको ही प्रूफ करना है। जैसे कि मानो आप एक सज़ा दे रहे हो इनको और ये सज़ा इनको बार बार झेलनी पड़ रही है, ये ना चाहते हुए भी बार बार प्यार को प्रूफ कर रहे हैं, बार बार इनको पॉइंट देना पड़ रहा है, बार बार इनको इनिशिएट करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एज ऑफ नाउ ये व्यक्ति एग्जॉस्टेड है, ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये बिना वजह ही आपको नेगेटिव ले रहे हैं। यहाँ पर आपकी गलती मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन लेट मी जस्ट सी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स से क्या गलतियाँ हो रही है, मेरे व्यूवर्स क्या गलती कर रहे हैं, क्या उनसे कोई गलती हुई है या वो कोई गलती कर रहे हैं। आपका ज़रूरत से ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में बिजी हो जाना या आपके दोस्तों के साथ समय बिताना या आपकी लाइफ में आपका नॉर्मल हो जाना, यही चीज़ें इनको बहुत परेशान कर रही हैं। आप अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गए हो, वापस गेट टुगेदर्स कर रहे हो या फ्रेंड से मिल रहे हो या अपनी लाइफ में बिजी रहने लगे हो, बहुत टाइम तक आपने इनको इग्नोर भी किया, अवॉइड भी किया क्योंकि ये व्यक्ति आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, तो आपने भी रिटर्न में इनको
दूरी बनाकर रखने की कोशिश करके दिखाई, यानी कि आपने इनको दिखाया कि ठीक है मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी चला सकती हूँ या चल सकता हूँ, जिसके वजह से ये बहुत हर्ट हो गए हैं। इनको लग रहा है कि आपने इनको वैल्यू नहीं किया, आपने बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहने और नई शुरुआत और न्यू बिगनिंग से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है इमोशनली डिस्टर्बेंस इसके वजह से ही है। इनको लग रहा है कि अब आप इनके साथ पहले जैसे नहीं, जैसे आप पहले हुआ करते थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, बट अब आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, अब शायद आप उनसे उतना प्यार नहीं करते जितना आप पहले किया करते थे। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। और आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स पिछले कुछ दिनों से, या तो डिप्रेशन, एनजाइटी या कोई प्रॉब्लम है आपको, या तो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या कोई डिसीजन को लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, हेडेक भी या तो बहुत हो रहा है या तो बाल बहुत झड़ रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है जिससे आप बहुत तंग चल रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, डिसीजन मेकिंग आपका समझ में नहीं है। एक समय या तो हो सकता है अनब्लॉक या ब्लॉक का भी गेम आप बहुत खेल रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो फिर अनब्लॉक कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, मतलब डिसीजन लेना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो यूनिवर्स कह रहा है थोड़ा सब्र रखो और पॉजिटिव रहने का प्रयास करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, अपनी मनोस्थिति को हैंडल करो, अपने आपके मेंटल स्ट्रेस को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि आप संभाल ही ना पाए कि आपको आगे स्टेप लेना क्या है, आपको करना क्या है, खुद को हैंडल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यूनिवर्स कह रहा है पेशेंस रखो, चीज़ें खुद ठीक होंगी लेकिन आपको हैंडल करना आना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल इस व्यक्ति के मन में क्या है, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनके मन में क्या है ओवरऑल। हाय प्रिस्टिस, इस वक्त वो आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके साथ, उनके अरमानों के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, आप प्लेयर एनर्जी में हो। उनको लग रहा है कि आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उनको कोई भी सच नहीं बता रहे हो, आपके मन में कुछ है और सामने कुछ है। आप सामने ये दावा रखते हो कि आप उनसे प्यार करते हो लेकिन आपके मन में कुछ और बात है, आप इनसे बातें कुछ छुपा रहे हो, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं ये इस वक्त जो है अपनी एनर्जीज में रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, अपने आप में रहना पसंद कर रहे हैं, अपनी एक गुफा बना रखी है जिस गुफा को ये छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये उस अपने आइसोलेशन में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस वक्त आपको अपने जीवन से निकाल देना चाहते हैं, इस वक्त ये आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहते, ये आपसे दूर रहना चाहते हैं, ये आपसे नाराज़ हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त ये आपसे लड़ना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें पहले थे, पहले जैसी थी वैसी वापस हो जाए, पर कहीं ना कहीं वैसी नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से आपको अपनी ज़िंदगी से कटआउट करना चाहते हैं। इनको लग रहा है आप अपनी अपनी तरफ से ये जिस तरह देख रहे हैं, इनको लग रहा है आप इनकी ज़िंदगी में टॉक्सिक एनर्जी में हो, यानी कि आप इनके लिए टॉक्सिक बन गए हो, यानी कि आप दोनों में जितने इशूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या ऑन एंड ऑफ या कोई भी सिचुएशन बन रही है, उससे आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको इफेक्ट कर रहे हो, मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हो। मेंटली एग्जॉस्ट आप भी हो रहे हो, बट कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनके जीवन में जो भी हो रहा है, ये जितना भी परेशान हो रहे हैं या हर्ट हो रहे हैं या हर्ट हो रही हैं, उसमें आप इनको कभी समझ नहीं पाते हो, आप इनको तकलीफ देते हो, आप बार बार इनके सामने कोई टर्म्स या कंडीशंस रखते हो, या आप इनको अपनी ही बातें दिखाते हो, जिसके वजह से ये बहुत हर्ट हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, जिसके वजह से ये आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आपके पार्टनर ने कुचल कर रखा हुआ है तलवार को, यानी कि वो आपको बोलने नहीं दे रहे, वो आपको सुन नहीं रहे, वो आपको मौका ही नहीं दे रहे सफाई देने का, वो आपके साथ कुछ भी ठीक करने के लिए एक भी प्रयास करने का मौका नहीं दे रहे। या तो वो दे नहीं रहे, या अगर आप करना भी चाहो तो वो होने दे नहीं रहे। गलतियां यहाँ पर उनकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है हथियार उनके हाथ में है, सबोटैज वो करना चाहते हैं, वो आपकी 10 गलतियां निकाल रहे हैं, पर एक्चुअली में यहाँ पर गलत वो खुद हैं, क्योंकि वो आपको लड़ने का भी मौका नहीं दे रहे, वो आपसे बात करने का मौका नहीं दे रहे, वो अवॉइड कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, वो आपके सामने ऐसा दिख रहा है जैसे पॉइंट रखने के लिए भी वो आपको टाइम नहीं देते, चीज़ें ठीक करने के लिए भी नहीं दे रहे। और अगर आप उनको, वो खुद होकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप रिटर्न में उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो आपको पनिश कर रहे हैं कि आपने उनको इग्नोर क्यों किया, जबकि वो खुद कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको मतलब कहीं ना कहीं सही लग रहा है, वो आपको लग रहा है कि ठीक है, मतलब वो जो कर रहे हैं वो राइट है, बट जैसे आप ये कर रहे हो तो उनको दुख हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बट ऐसा है कि शायद होता है ना कि समय है, नक्षत्र है, जिसके वजह से ये व्यक्ति सही जोन में नहीं है इस वक्त, इस इंसान को सही गलत की परख नहीं है, तो ऐसे में स्पेस दे देना ज़रूरी है और आपका डिसीजन लेना ज़रूरी है। आप एक डिसीजन लो और उस डिसीजन को फॉलो करके उसी मंजिल पर चलने की कोशिश करो, बार बार पीछे मुड़कर मत देखो, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है हैव फेथ ऑन मी, पेशेंस रखो और सीधे सीधे चलने की कोशिश करो, पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि यही इंसान जिसने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं या जिसने बहुत ज़्यादा टेंशन दिया है, इसी को ये टेंशन को
ठीक करना पड़ेगा, इसी को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको इस चीज़ के लिए रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है, आपको इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, और उसके अलावा इसी प्रकार की रीडिंग्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मेरा दूसरा चैनल भी। मेरे दोनों तीनों चैनल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत बंद है, आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आपको कॉल करे, तो अफर्मेशंस मैंने यूनिवर्स विद इन यू के चैनल पर डाल दिया है। इवन थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए भी मैंने डाल दिया है, आप उनको सुन सकते हैं 30 से 90 दिनों तक। उससे आपको काफ़ी रिजल्ट मिलेंगे, काफ़ी लोगों को मिले हैं, आप ट्राई करके देखें। कुछ लोगों को 10 दिन में रिजल्ट आते हैं, कुछ लोगों को 3 महीने या 6 महीने या 8 महीने भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है अब आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में कितना जल्दी आप उन चीज़ों को एक्टिव कर पाते हो अपने माइंड में, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री नहीं। पर्सनल रीडिंग का नंबर वीडियो पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिफ्लेक्ट करता है, आप उनमें से नंबर निकालकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टीम जैसे ही आपका नंबर या व्हाट्सअप हाई देखेगी, आपको तुरंत से ग्रीटिंग मैसेज आ जाता है जिसमें आपको प्राइस और चार्जेस लिखकर आ जाते हैं, और प्राइजेस और चार्जेस आपको DP पे भी दिख जाते हैं, कैटलॉग पे भी दिख जाते हैं व्हाट्सअप के नंबर पे। इसके लिए कॉल ना करें, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे आपको सारी डिटेल्स मिलती है। और यस, ये फ्री रीडिंग्स नहीं होती, फ्री रीडिंग्स के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है www.thedivinetarotonline.com, आप उस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।